अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे देखिए जी, लिंग्विस्टिक्स और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम आपकी बुक और उसका कंटेंट जो है, वो जो लिंग्विस्टिक्स की अभी पब्लिश हुई है, उसका क्या है? कि जी ये है जी हमारी लिंग्विस्टिक्स और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स बेसिकली कहते ही साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को है। ठीक है, ये साइंस ऑफ लैंग्वेज है और ये हमने और हमारी टीम ने मिलके इस बुक को तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्रीफेस है जी इस बुक का। आप लोगों के पास जो इस वक्त किताब है, जो आपके घर में पहुंच चुकी है, तो वो कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें हमारी बुक के अंदर मेजर जो कंटेंट्स हैं वो कौन कौन से हमने ऐड किए हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं ये कहूंगी कि बेटा शॉर्टकट ना लगाइएगा लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है ना, इसलिए टू दी पॉइंट होता है। ओवरऑल बाकी लिटरेचर से इसका सिलेबस कम होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इसका शॉर्टकट लगाना चाहिए। मैं 1.5 मंथ में, तकरीबन 1.5 मंथ में पूरी लिंग्विस्टिक्स कवर करवा देती हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये इसका जी जो है कंटेंट है, मेजर कंटेंट। फिर ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन, वो आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। पहले हम लैंग्वेज के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर हम स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं कौन कौन से। ठीक है, और उसके बाद उसमें सिंक्रोनी है, डाइक्रोनी है, सिग्मेटिक एंड प्रैग्मेटिक है, लैंग्वेज एंड पैरोल, चॉम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये सारे हम करेंगे। उसके बाद हम फोनेटिक्स पे आएंगे, स्टडी ऑफ साउंड को कहते हैं, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड को। फोनोलॉजी है इसके अंदर चैप्टर्स में, मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स है, सिस्टम्स ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस है, एंड देन ग्रामर है। ठीक है, उसके बाद आपके सिमेंटिक एंड सिमेंटिक थेरीज आ जाती हैं, साइकोलॉजी साइकोलिंग्विस्टिक्स है इसके अंदर, सोशल लिंग्विस्टिक्स है। ये कुछ चैप्टर्स थे जो आप लोगों के मिसिंग थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है ना, अब आप मार्केट में जाएंगे ना, आपको जो पेपर में चीजें आई हुई थी वो आपके सिलेबस में, बुक्स में नहीं थी। अब हो सकता है उन्होंने, जिन्होंने डिजाइन किया, उन्होंने बीएस के स्टूडेंट्स के हिसाब से किए हैं या जैसे भी किए हैं, तो मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं जो कि आप लोगों के पेपर्स में आए हुए हैं, जो कि आपको नॉर्मल एनकेएम की बुक्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बुक को पब्लिश करने का मकसद ही ये था कि स्टूडेंट्स को पता चले कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को प्रिपेयर करना है। तो ये जी हमारी बुक का एक शॉर्ट प्रीफेस।